दोस्तों, अभी हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया की मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इतना बड़ा परिवार बनाया जिसमें कि लगभग 181 लोग रहते हैं, इनका नाम जोना चान है। आज हम आपको इस वीडियो में इस परिवार के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, शायद आपने अपने आसपास सुना होगा कि किसी के 5 बच्चे हैं या किसी के 10, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसा भी परिवार रहता है जिसके कि 94 बच्चे हैं, 94, और उनकी 39 बीवी हैं, यानी कि 39 वाइफ, तो आपको ये सुनकर कैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। तो आइए जानते हैं इस परिवार के कुछ रोचक तथ्य, लेकिन वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एकल सिंगल परिवार की परंपरा बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि कोई शख्स संयुक्त परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है तो उसका प्रयास सराहनीय है। लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे बड़े परिवार से परिचित हैं जिसमें 10 या 20 लोग नहीं बल्कि 181 लोग एक साथ रहते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े परिवार से रूबरू करवाने जा रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा परिवार कहीं और नहीं बल्कि भारत के ही मिजोरम राज्य के भक्तवांग गांव में रहता है, जो कि मिजोरम की राजधानी आइजोल से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परिवार के मुखिया का नाम जियोन चान था, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। दोस्तों, उनका जन्म 21 जुलाई 1945 को हुआ था। जियोन चान ईसाई धर्म के एक संप्रदाय चान पावल के प्रमुख थे जिसे उनके पिता ने स्थापित किया था। यह संप्रदाय बहुविवाह में विश्वास करता है, अतः 72 साल के जियोन चान ने अपनी जिंदगी में अब तक 39 शादियां की जिनसे उन्हें 94 बच्चे हैं। हैरानी की बात तो दोस्तों यह थी कि 72 साल की उम्र के बावजूद भी वह फिट नजर आते थे। वे खुद को गांव का सबसे खूबसूरत और स्मार्ट व्यक्ति मानते थे। गांव की जो महिला उन्हें पसंद आ जाती थी उसे या तो वह खुद पत्र भेजकर शादी की इच्छा दिखाते थे या फिर अपनी ही किसी बीवी या परिचित के जरिए रिश्ता के लिए प्रस्ताव भेजते थे। अगर लड़की मान जाती थी तो उनसे वह शादी कर लेते थे। जियोन चान की पहली शादी 17 वर्ष की उम्र में जेथी गई से हुई थी, जो उनसे 3 साल बड़ी थी। वर्तमान समय में जेथी गई सख्त अनुशासन के साथ परिवार की घरेलू गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं और उन्हें इस बात पर गर्व है कि परिवार में हर कोई उनकी भूमिका का सम्मान करता है। जियोन चान की 22 बीवियां 40 साल या उससे कम उम्र की हैं। जियोन चान अपने परिवार के सबसे खास व्यक्ति थे। इनके पास बड़ा परिवार होने के साथ साथ काफी संपत्ति भी है। वह जिस गांव में रहते थे उसका काफी बड़ा हिस्सा उनका खुद का था, इसलिए वे राजा की तरह जीवन जीते थे। इसके अलावा मिजोरम के भक्तवांग गांव में पहाड़ी पर बना उनका 4 मंजिला विशाल घर भी, जिसमें 100 कमरे हैं। प्रत्येक बीवी और उसके परिवार को अलग अलग कमरे दिए गए हैं। बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है तो उन्हें भी अलग कमरा मिल जाता है। खुद जियोन चान मकान के सबसे निचले तल पर एक बड़े से कमरे में रहते थे। हर बीवी को उनके पास रहने के लिए एक हफ्ते का समय मिलता था, जो रोटेशन के हिसाब से तय था। हालांकि जियोन चान की इच्छा से इसमें बदलाव भी होता रहता था। जियोन चान का एक बेटा कंप्यूटर में पूरे परिवार का डेटा सुरक्षित रखता है, जिसमें प्रत्येक बीवी और उनके बच्चे का विवरण लगातार भरा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जियोन चान को इतने बड़े परिवार के लोगों के नाम याद रखने में काफी मुश्किल होती थी। जियोन चान का घर किसी सैनिक अनुशासन वाली छावनी की तरह चलता था, जहां सभी बच्चों को सुबह सुबह उठना होता है और उसके बाद सभी बच्चे जियोन चान द्वारा बनाए गए स्कूल में पढ़ने जाते हैं। इस स्कूल में आमतौर पर इसी परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल के हेडमास्टर जियोन चान के छोटे भाई ही हैं, जबकि जियोन के ही बड़े बच्चे और कुछ बीवियां इस स्कूल के शिक्षक हैं। जियोना चान के पास अपने खेत और फर्नीचर का वर्कशॉप भी है, और दोस्तों ये खेती और फर्नीचर के ही वर्कशॉप का बिजनेस करते हैं।
तो दोस्तों यह थे दुनिया के सबसे बड़े परिवार के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे MTT News चैनल के साथ। तो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नई जानकारी के साथ।